और आप जैसे जैसे इस फोर्ट के ऑथेंटिक गाइड के साथ देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, आपका आश्चर्य वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा। और एट द एंड ऑफ द फोर्ट आपको ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये फोर्ट 12वीं शताब्दी में बना होगा। सिक्योरिटी और डिफेंस से भरपूर ऐसा रोमांचक और बेमिसाल फोर्ट बनाने का सेहरा यादव परिवार के राजा विल्लम फिफ्थ को जाता है, जिसने 1187 ईस्वी में देवगिरी का किला एक ही चट्टान को काट कर बनवाया। और ये सिक्योरिटी और डिफेंस का जीनियस आइडिया सिर्फ फोर्ट के अंदर ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि बाहर भी साफ दिखाई पड़ता है। जरा आप नजर दौड़ाएं फोर्ट के आसपास के इलाकों पर, तो आप देखेंगे कि पहले तो ये फोर्ट तीन तरफ से पहाड़ों से कुछ इस तरह घिरा है कि ये पहाड़ खुद बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। और अगर राजा अपनी आर्मी उन पहाड़ों पे खड़ी कर दे, तो इन पहाड़ों को पार करके फोर्ट तक पहुंचना और हमला करना तो दूर, दौलताबाद सिटी में कदम रखना मुश्किल हो जाए। इसीलिए तीनों तरफ से तीन पहाड़ों के बीच खड़ी पहाड़ी चट्टान राजा को इतनी भा गई कि उसने इसे अपना सिंहासन घोषित कर दिया। इट स्टैंड्स ऑन अ कॉनिकल हिल अबाउट 200 मीटर्स हाई। मच ऑफ द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिल हैज बीन कट अवे बाई यादवा डायनेस्टी रूलर्स टू लीव 50 मीटर वर्टिकल साइड्स टू इम्प्रूव डिफेंसेस। सिर्फ लोकेशन के सिलेक्शन में ही जो इतना जीनियस हो, भला वो फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में कितना जीनियस होगा, आइए देखते हैं। अगर आप इस फोर्ट को सिक्योरिटी और डिफेंस के इस नज़रिए से ही देखें, तो यकीन मानिए ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा दिखाई पड़ेगा। और ऐसा महसूस होगा कि आप इंटरनेट या कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका एनिमी अपनी सारी चालाकियों और हथियारों के बावजूद आप तक पहुंच नहीं सकता और पकड़ लिया जाता है। ऐसा गेम के शुभारंभ से पहले ऐसे फोर्ट का लोकेशन समझना और जानना अवश्य और जरूरी हो जाता है। ये फोर्ट हिंदुस्तान के मशहूर राष्ट्र महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में आबाद है। दौलताबाद सिटी से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद इज अ मेजर स्टेशन नियर टू दौलताबाद, सो नॉट मेनी ट्रेन्स स्टॉप एट दौलताबाद। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए एरोप्लेन, ट्रेन, बस, सारे साधन अवेलेबल है। नियरेस्ट एयरपोर्ट औरंगाबाद ही है, विच इज 27 किलोमीटर अवे। आइए फोर्ट के फर्स्ट गेट से ही डिफेंस और सिक्योरिटी के तकनीक पर नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी फोर्ट का गेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये खुला तो फौज के लिए अंदर घुसकर हमला करना आसान हो जाता है। पुराने जमाने में किलों के गेट को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, पर यहां हाथी कामयाब हो ही नहीं सकता है। अगर हो भी जाता है तो क्या आगे उसके लिए बढ़ना आसान है?
देखिए। तो यहाँ पर जो हम खड़े हैं, ये लास्ट टाइम निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस एरिया को फिल अप किया है, लेकिन टाइम ऑफ यादवास प्रॉब्लम ये थे कि इस पोर्ट को ड्राई मोड बना रखा था, जिसमें पानी नहीं रहेगा, बट जस्ट 40 फीट डेप्थ ऑफ ड्राई मोड, 50 टू 65 फीट उसका ब्राइटनेस रहेगा, लेकिन एनिमीज इस ड्राई मोड का रीज़न नहीं होते, उसे फिलअप भी कर सकता है। सो हाथी अपनी एक लंबी साइड रन अप नॉर्थ साइड से लेकर गेट हिट करेगा। डेट्स वाई फॉर फ्यूचर सेफ्टी इस एंट्री को स्पेशली सिक्योरिटी किया है, जबकि आयन प्लेट और आयन नील्स का निर्माण किया है, एलिफेंट स्पाइक्स, जिसमें पॉइजन भी रहेगा। सो हाथी जानवर रन अप तो करेगा, बट कोई भी इन्वेटर्स हाथी जानवर को स्पाइक पर हिट मारने में नहीं भेजेगा। बाद हाथी जानवर अपना फुल रन अप लेने के बाद कैमल को हिट करेगा, कैमल स्पाइक्स पर मर जाएगा। बट इनकेस बड़ा जानवर गेट हिट करने में सक्सेस हो जाए, तो इंटरनल साइड की सिचुएशन को आपको देखना है कि कर्व वॉल बना दिया गया। इंटरनल साइड्स का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आगे जाकर हाथी और दुश्मन जैसे कैद कर लिए जाते हैं। कर्व वॉल के बाद भी किस तरह से एनिमी को ब्लॉक किया गया है, गौर से देखिए और अपने गाइड को सुनिए। इंटरनल प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट किए उन लोगों ने, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अंदर जाकर देखेंगे। ये जो होल्स हैं दो साइड्स पर वॉल्स में, वुडन रॉड्स क्रॉस कर दिया जाएगा ताकि एलिफेंट एंट्री ना कर सके। अगेन इस आर्च के फ्रंट पार्ट पर में भी यहाँ गेट था, और ये प्रूव हो रहा है इससे राइट ऑन द टॉप स्टोन होल्स वहां नजर आती है जहां गेट के हिंजेस फिट किए जाते हैं। इट्स ट्रू। और इसको भी लॉक करने के लिए दैट सेम सिस्टम, दैट वुडन रॉड गोज। मेन एंट्रेंस पर भी, जिसे महाकोटा कहते हैं, ऐसी तकनीक अपनाई है कि हाथी यहां आकर अपनी रफ्तार बढ़ा ही नहीं सकता, और दौड़ना तो भूल ही जाता है और बस ट्रैप होकर रह जाता है। और हाँ, इस फोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि फोर्ट के अंदर जाने के लिए कई फेक गेट हैं, जहां पहुंचकर एनिमी कंफ्यूज हो जाता है, और एनिमी का टाइम इतना ज्यादा किल होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और किधर जाए, और जब तक उस पर सिपाहियों का हमला हो जाता है। अबे इन द राइट हैंड कॉर्नर थोड़ा सा मुंह होकर हम देखें, वहां एक गेट बना रखी है। सो इस प्रकार के सेवन वॉल में फोर्ट के अंदर लीड करने में राइट सेवन ही एंट्रीज बनाया, बट 52 गेट्स बेसिकली फेक डमी डाला है। इसमें एनिमीज को डमी एंट्रेंसेस फेक, इससे अटैकर को डिसीजंस करने में डिफिकल्टीज आएगी, और आदमी जब मेंटली प्रेशर क्रिएट करेगा सो डेफिनेटली यू कम इन ट्रबल। सो सी द एंट्री। इस किले का कंस्ट्रक्शन अगर गौर से देखें तो टाइप ऑफ पिरामिड कंस्ट्रक्शन है, जिससे फायदा यह है कि अगर एनिमी दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाए या दीवार से चिपक कर भागने की कोशिश करे, तो भी ऊपर से वो न सिर्फ विजिबल होगा बल्कि उस पर बड़ी आसानी से सिपाही पत्थर गिरा देंगे और दुश्मन वहीं पर ढेर हो जाएगा। और हाँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन में एनिमी के लिए मुमकिन नहीं कि दीवार से चिपक कर वार कर सके, क्योंकि ये शेप ही ऐसा है कि ऊपर से नीचे देख सकते हैं पर नीचे से ऊपर देखना नामुमकिन है। और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर्स निचला बेस इज क्वाइट ब्राइट, आगे लिया है। अपर पोर्शन देखिएगा राइट ऑन द टॉप, वो लिटिल बिट नैरो करा है, टाइप ऑफ पैरामिड्स।
सो बैलेंसिंग साइड कंट्रोल किया है एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि अटैक स्टार्ट राइट ऑन द टॉप इन एंशिएंट टाइम स्टोन्स फेंकेगा तो कोई भी एनिमीज मिडिल से भागने का प्लान नहीं करेगा वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए गिव द सपोर्ट ऑफ वॉल्स सो सी द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर हम आगे हैं ऊपर वाला आदमी पीछे गया है ऊपर बैठने वाले आदमी को आगे आकर मारना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो एज इट इज़ पत्थर फेंकेगा वो हम अटैक करेगा सो स्ट्रक्चर बनाते समय सिक्योरिटी पर्पज को भी ध्यान दिया गया और स्ट्रक्चर में बैलेंसिंग कंट्रोल की है तीसरे गेट तक भी अगर एनिमी पहुंचने में कामयाब हो गया तो भी उसके सामने फिर से एक ह्यूज वॉल शुरू होता है और उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि वही एक्सरसाइज दोहरानी है जो पहले गेट पे घुसते वक्त उसने की थी बल्कि अब तो इस वॉल के आगे जाने का गेट विजिबल ही नहीं है यहां पर फिर से एनिमी एक बार कंफ्यूज होता है कि उसे लेफ्ट जाना है या राइट अगर लेफ्ट को गया तो 1.5 किलोमीटर तक जाने के बाद वो सीधा खाई में गिर जाता है और पानी में मौजूद मगरमच्छ का बड़ी आसानी से निवाला बन जाता है और अगर 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वापस होना चाहे तो उसके लिए सिपाहियों से बचना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं इतनी देर तक एनिमी सिपाहियों की नजर से भला कहां बच पाएगा वो तो जरूर पकड़ लिया जाएगा नंबर थर्ड एंट्री है इसको क्रॉस करने के बाद में नंबर 4 स्टेट वॉल आएगा सो इस गेट को क्रॉस करने के बाद में सामने स्टेट वॉल है सो गेट को फाइंड आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू कमर्स फिर कंफ्यूजन में आएगा लेफ्ट या राइट कौन से दिशा में जाना है सो प्रीफरेंस एनिमीज लेफ्ट को ज्यादा करेगा बट ये राइट रूट नहीं है 1.5 किलोमीटर तक इस सस्पेंस में आप जाओगे कि फोर्ट के अंदर लीक कर रहे हैं 1.5 किलोमीटर के बाद ये पैसेज वाटर मोट में ली जाकर कनेक्टेड किया है मीन्स कॉल्ड खंदक जिसमें पानी और जहरीले जानवरों में सांप और मगर रहेगी 1.5 किलोमीटर के बाद में रियलाइज होता है कि आप गलत रास्ते पर है तो 1.5 किलोमीटर बैक लौटना इट्स वेरी डिफिकल्ट इस किले के कंस्ट्रक्शन में आपको जो कर्व दिखाई दे रहा है इसमें राज ये है कि एनिमी की रफ्तार को तेज न होने दिया जाए उसका कारण यह है कि स्ट्रक्चर में बैलेंस को कवर करना है और इसमें जैसे एक ऑब्जर्वेशन होता है कि आप चलते समय स्ट्रेट वे के अंदर में मूवमेंट आपका फास्ट रहेगी इस प्रकार के कर्व आते रहेंगे तो आदमी का मूवमेंट भी स्लो होते रहेगा तो उन लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज में उन्होंने किया है वैसे स्टार्ट में भी देखिए वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म बना रखी है बट दे मेड इट सेफ अप राउंड जिसमें स्ट्रक्चर का बैलेंस कवर करना इम्पोर्टेंट किया है अब राइट के वॉल की तरफ नजर डालिए जो कि देखने में क्लोज्ड मालूम होती है जबकि फोर्ट का रास्ता इधर से ही है अभी राइट से भी हम लोग जाएंगे वो फोर्ट का राइट एंट्री मिलेगा नंबर 4 गेट चौथा गेट इंटर करते हुए भी जरा देखिए कि उसको कितना नैरो रखा गया है और पूरा इंतजाम है कि एनिमी को गिरा दिया जाए ये कुछ पाथवे का भी साइड एक्सकेवेट किया आर्कियोलॉजिकल लोग सो इस एंट्रीज के अंदर में कहीं पर उन लोगों ने स्टोन फ्लोरिंग्स पाई है यदि पाथवे का दृष्टिकोण होता उन लोगों को बनाने का तो बेसिकली अच्छे स्टोन का यूज किया जाता था पर्पज यादवास का था फॉर सिक्योरिटी दैट्स व्हाई आपके मूवमेंट को भी स्टॉप करना उनका अपना काम था स्लीपरी स्टोन उन लोगों ने यूज किया एंड स्टोन्स आर अनइवन इसमें एलिफेंट या हॉर्सेस इनका एंट्री बंद हो जाएगी
और ह्यूमन बीइंग का भी मूवमेंट फास्ट नहीं होगा, स्लो मूवमेंट में चलना पड़ेगा। तो नाउ फोर्थ नंबर एंट्रेंस पर है, बट वी आर टोटली इन द डाउन पार्ट है। अपर लेवल हाई लेवल की तरफ बढ़ता है ना। सो इन एंशियंट टाइम दे आर यूजिंग ए ह्यूज स्टोन वॉल। ऊपर से मीनार के पास से आप स्टोन वॉल को थ्रो कर देंगे तो उसके अनइवन बॉन्स रहेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजीली आप एंट्री करें। इसी चौथे गेट पर जरा नजर ऊपर की तरफ दौड़ाएं तो वॉच टावर देख सकते हैं, जहां से आर्मी एनिमी के एक एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए है। और यहाँ पर मैं राइट ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्टेयरकेस भी उन लोगों ने बना रखी थी, जहाँ से ऑब्जर्वेशन टावर कहें, वहाँ से लोग देखकर मूवमेंट को देख सकता है आने वाले एनिमीज के लिए। सी द वॉल स्ट्रक्चर, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, सो पर्टिकुलर हर डिस्टेंस के ऊपर में इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स उन लोगों ने बना रखी थी कि हर वहाँ पर का एक आदमी मिलिट्री का अपनी साइड चेकअप कर सके। ये रहा इस किले का फिफ्थ गेट। ओरिजिनली यहां भी ड्राई मोड हुआ करता था, जैसा कि आपने फर्स्ट गेट पर सुना और देखा। तो ये स्टेयरकेस जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, ये एडिशनल वर्क है निजाम ऑफ हैदराबाद में द स्टेप्स। प्रीवियसली गेट के फ्रंट पार्ट पर यहाँ भी एक ड्राई मोड था, खड्डे वाला खंडर, लेकिन इसको फिलअप करने पर भी हाथी जानवर वही ट्रिक प्ले करेगा, स्पीड पिकअप करने पर गेट हिट करेगा, इसलिए इस नंबर फिफ्थ एंट्री को भी आयरन प्लेट और नेल्स का निर्माण किया है। इस पर आयरन प्लेट और नेल्स आपको नजर आएगी। सिक्स्थ गेट भी टेक्निकली कितना जबरदस्त है देखिए। छठा नंबर एंट्रेंस 90 डिग्री राइट टर्न किया है, सो शॉर्ट डिस्टेंस में एलिफेंट कंट्रोल द स्पीड टर्न एंड हिट टू एंट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट। गौर कीजिए यहाँ भी एनिमी के मूवमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया गया है और किस तरह इसका टाइम खराब हो रहा है और साइकोलॉजिकली इसे कितना प्रेशराइज किया जा रहा है, आप अंदाजा कर सकते हैं। एनिमीज को जो ट्रैप करने का प्लानिंग उन लोगों की थी, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ह्यूज आर्च है नाउ टुडे, इन फ्रंट ऑफ द आर्च से राइट ऑन द कॉर्नर टफ गेट, जहाँ गेट की हिंजेस फिट होती है, और इस आर्च के फ्रंट पार्ट पर इन दोज डे उन लोगों ने एक गेट बना रखी थी, लेकिन दोनों आर्चेस का साइज देखकर यह प्रूव होता है कि दोनों एंट्री सिमिलर नहीं है। राइट में फोर्ट का राइट एंट्री है, पर्पसली गेट छोटा बनाया, लेफ्ट में फॉल्स एंट्री बनाई लेकिन गेट बड़ा बना दिया। बट कोई ट्रेटर यादवंश के गद्दार लोग पैसा लेकर ये इन्फॉर्मेशन एनिमीज को यदि बाहर भी करेगा कि लेफ्ट में जो बिगर एंट्री है वो फॉल्स है, राइट में जो स्मॉल एंट्री है वो राइट एंट्री है, जो माउंटेन फोर्ट पर जाएगी उसको ब्रेक करना है, एनिमीज उसे बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज गेम ऑफ स्ट्रक्चर। बाहर से आते समय माउंटेन फोर्ट को ऑलरेडी हम लोगों ने लेफ्ट में देखा, माउंटेन फोर्ट हमारे राइट में नहीं है। सो प्रीफरेंस पहला न्यू कमर्स बड़े एंट्री को ही करेगा, लेकिन गेट बड़ा होने के बाद अंदर कुछ नहीं मिलेगा, डेड एंड वॉल कंस्ट्रक्शन। और जो टाइमिंग आप लॉस कर रहे हैं यहाँ पर में, राइट ऑन टॉप बैठने वाले लोग अटैक का पूरा चांस करेंगे, बिकॉज टोटल साइड्स आर ओपन। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं असल में ऐसी नहीं थी, ये भी बाद में बनवाई गई। नॉर्मली इस फोर्ट के अंदर में आपका मूवमेंट का ही प्रॉब्लम है, तो बाद अटैक के बारे में थिंकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज नाउ टुडे जो स्टेयरकेस हम लोग क्लाइम करेंगे इंटरनल, टाइम ऑफ औरंगजेब ही ब्रॉट द कैनन सो मेक ए चेंजेस, स्टेप्स बहुत ही अच्छी बनाई गई फॉर द मोमेंटम, बिग गैप्स हो देयर, आसानी से आदमी क्लाइम कर सकता है, स्पीड भी पिकअप करेगा। पर टाइम ऑफ यादवाज हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ये प्रूव करती है कि नंबर फिफ्थ एंट्री से लेकर अप टू मोड तक जो स्टेप्स को पर्पसली बनाया गया था, सम स्टेयरकेस मेड 6 इंचेस, सम मेड 9 इंचेस,
वेरी स्मॉल बट अनइवन डिस्टेंस स्टेप्स का बनाना स्टार्ट कर दिया था। पर्पसली डिस्टेंस आर अनइवन, न्यू कमर्स होने के कारण स्टेप देखने का वर्क लगा दिया है। आदमी स्टेप देखने के लिए इंपॉर्टेंट देगा कि ऊपर के अटैक को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट करेगा। सो स्पोर्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन बाहर एनिमीज को मिल जाती है, सो उसका नो यूज, क्योंकि आपके पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस ऑफ फोर्ट के अंदर एंट्री करें। ये है एनिमी के लिए सबसे खतरनाक स्टेप। अगर इस खतरनाक खाई को पार कर गया तो अब असल फोर्ट में दाखिल हो सकता है, और ये फोर्ट असल में यहां से शुरू होता है। अब एनिमी के सामने ये खतरनाक खाई जो मौत का कुआं है, और ये काफी गहरी है, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांप एनिमी के स्वागत के लिए हर वक्त हाजिर हुआ करते थे। और ये खाई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर से भरी रहती थी, और हाँ, आज भी इसमें पानी किसी न किसी सूरत में मौजूद है। इन एमरजेंसी में किंग फैमिली और माउंटेन फोर्ट के ऊपर में निकल जाते फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो माउंटेन का साइड देखिएगा, 250 फीट वो लोग सारा वर्टिकल काट दिया, मैन मेड, दैट इज नॉट नेचुरल। और ये वाटर मोट फोर्ट के ऑल अराउंड जा रहा है, इसमें अभी मानसून वाटर है, बट एंशियंट टाइम वाटर मोट का डेप्थ था 70 फीट एंड डेप्थ ऑफ वाटर था 25-30 फीट, बिकॉज नेचुरल सोर्सेस थी, और इसमें ही जहरीले जानवरों में सांप और मगर छोड़ दी जाएगी। अब यहां से उस पार जाने के लिए यादवास के पीरियड में किंग की एंट्री के लिए सिर्फ चमड़े का बना हुआ एक फोल्डिंग ब्रिज हुआ करता था। किंग आता तो बिछा दिया जाता, फिर उसे लपेट कर रख दिया जाता। यादवास के बाद आने वाले बादशाहों के दौर में इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। टाइम ऑफ यादवास हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि जस्ट दे आर यूजिंग ए लेदर ब्रिज, किंग्स जाने पर ब्रिज को लोग फोल्ड कर देगा। लेकिन टाइम ऑफ औरंगजेब उन्होंने स्टेप स्ट्रक्चर बनाया, स्टोन ब्रिज, और ये आयरन ब्रिज टाइम ऑफ निजाम इन 1925। दोनों के टाइमिंग के चेंजेस है। आयरन ब्रिज से बॉल फोर्ट टू माउंटेन फोर्ट के लिए गेट स्ट्रेट एंड ईजी अप्रोच, वही स्टेयरकेस डायरेक्शन को देखिएगा, आपका अटैचमेंट ईजी नहीं है। एक तो पहले आपको डाउन होना पड़ेगा, देन अगेन यू कम अप एंड गेट मेजोरिटी अप टू फ्रंट वॉल ऑफ मोट। बात स्पेशली स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन करें, वो नैरो स्टेयरकेस से आपको अंदर लीड करना है। एक सिंगल आदमी को एंट्री मिलेगा, आपकी ह्यूमन फिजिक्स की स्टडी है उसमें। फोर स्टेयरकेस आप डाउन टू ऑफ स्ट्रेट वे निकल रहे हैं, क्यों कंटिन्यू नहीं निकाला? एक सिंगल आदमी भी डाउन टू ऑफ स्ट्रेट वे ऊपर जाएगा ना, सो यू हैव गॉट बेनिफिट। आप ऊपर वाले दो चार पाँच आदमी को तो मार देंगे, लेकिन वो लोग ब्रेन यूज़ किया है, आपका अप्रोच मिस हो रहा है। फोर स्टेयरकेस डाउन टू अप, देन लिटिल बिट गो इनसाइड एंड देन 90 डिग्रीज राइट टर्न कर दिया। 90 डिग्री का कंजेस्टेड प्रोसेस में राइट टर्न देने का रीजन ये था कि मोस्टली पीपल्स टेक वेपन्स इन राइट हैंड, लेफ्ट हैंडर्स आर वेरी रेयर। आप अंदर जाकर जब राइट टर्न लोगे तो आपका एक्सपीरियंस देखिए, आपका लेफ्ट हैंड फ्री होता है लेकिन वेपन साइन स्टिक इन अ कॉर्नर। अब इस स्पीयर का अनुमान करो, उसका हाइट होता है 10-11 फीट। सो एक ऊपर बैठने वाला सिंगल आदमी हजारों लोगों की कत्ल आराम से करेगा, बिकॉज यू आर लूजिंग योर अप्रोच। पर अभी भी खतरों का खेल खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन को आगे बढ़ने के लिए कई बार अपनी मौत से सामना बाकी है। अटैकर इसे मारकर ऊपर आ गया तो अटैक ऊपर से स्टार्ट होगी। मेजर साइड्स हम नोट करते हैं कि अटैक ऊपर से होते समय आदमी वॉल सपोर्ट लेकर भागेगा। ये स्ट्रक्चर्स दीवार का देखिएगा, इन द डाउन इन अ बॉटम स्ट्रेट लाइन में स्टोन्स है, स्टोन इज इन वन लाइन। बट आदमी जब डर्न हो जाता है ना, सो मोस्टली वी टेक मिस्टेक, वी आर नॉट लुकिंग डाउन, वी आर लुकिंग फर्दर एंड दे गेट बेनिफिट इन अ कॉर्नर, वन ट्रिपिंग स्टोन हो गया। पैर में लग सकता है, क्योंकि चलते समय आदमी नीचे नहीं देखेगा ना, क्योंकि ऊपर से अटैक हो रहा है। सो सी द डायरेक्शन, उन लोगों ने ऊपर से अटैक होते समय जब टर्न होता है आदमी, तो ट्रिपिंग स्टोन वहाँ डालकर उसको गिराने का फिर प्लान किया।
और अभी नेक्स्ट हमारा जो साइट रहेगा दैट मीन्स लास्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द फोर्थ वन अंडरग्राउंड टनल। और इसके बाद एनिमी के सामने अंधियारा ही अंधियारा है। यहां से एक सुरंग का सिलसिला है और ऐसे में एनिमी के लिए बड़े संदेह की बात है कि वो किले में प्रवेश कर रहा है या रास्ता भटक रहा है। और उसका ये शक और भी गहरा हो सकता है अगर उसके जासूसों ने ये बताया नहीं है कि खाई के बाद किले में घुसते ही सबसे पहले सुरंग से गुजरना होगा। फोर्ट से भागने के लिए तो आपने सुरंग देखे और सुने होंगे, पर यहां सुरंग फोर्ट में जाने के लिए बनाया गया है। इस सुरंग का कंस्ट्रक्शन भी दुश्मन के पसीने छुड़ा देता है, लेकिन अब शायद दुश्मन वापस भी भाग नहीं सकता। जो अब यहाँ गेट स्टार्ट होगी, एक सॉलिड रॉक कट करते हुए अंडरग्राउंड टनल को बनाया गया, लेकिन मेजर रिकॉर्ड्स फोर्ट के अंदर में जो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं फोर्ट के बाहर भागने के रूट बनाए जाते हैं, दैट मीन दैट इज टू बी एस्केप रूट। लेकिन ये वर्ल्ड में ऐसा एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ये डार्क पैसेज फोर्ट के ऊपर जाने वाला राइट रूट है, फोर्ट के बाहर जाने के लिए नहीं। दैट्स व्हाई सम पीपल्स कॉल्ड भूल भुलैया। इस तरह हम धीरे धीरे मेन किले की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से भी आगे देखिए एनिमी के लिए क्या जाल बुना गया है। मेज एनिमीज को किस प्रकार ट्रैप करनी वही उन लोगों ने प्लान किया। ये मिडल में जो थोड़ा सा पोर्शन ओपन दिखाई दे रहा है, ये वेदर इफेक्ट में माउंटेन पार्ट ब्रेक हो गया था इन 1952। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये शॉर्टकट साइड से बनाया स्टेयरकेस वे। प्रीवियसली यहाँ पर भी वुडन गेट थी, प्रीवियसली ये रूट नहीं था, इट वॉज फुल्ली कवर्ड ऑफ द रॉक। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे। सो इन द पीरियड ऑफ वॉर इस गेट को लोग लॉक करेंगे तो एनिमीज गेट ब्रेक करने के चांसेस तो लॉस कर दिया है। बट ऑब्जर्वेशन ये है कि ही चेक द लेफ्ट एंड राइट साइड बाय हैंड बिकॉज ही वॉन्ट सी द नेक्स्ट वे। और लोग पर्पजली राइट में माउंटेन को कट किया है एंड गिव ए स्मॉल एंट्री सब्स्टिट्यूट वे। इस होल से आने वाला आदमी सिंगल एंट्री करेगा एंड नॉट स्ट्रेट बेंड होकर आता है। सो फोर्ट मिलिट्री नीचे खड़ा आराम से उसकी गर्दन को काट देगा और सब्स्टिट्यूट उसके डेड बॉडी को कलेक्ट करेगा। उस कॉर्नर के अंदर में स्मॉल होल बना रखा है आउटलेट, यहां से उसका डेड बॉडी सीधा वाटर मोट में फेंक दिया जाएगा। That will lead into water mode. So crocodile is waiting there for food. Attacker fort military को defeat करके इस ground में भी कदम रखेगा। तो ये कुछ hiding places guards के लिए ऊपर बना रखे हैं। See some hiding places. वहाँ बैठने वाला लोग डार्क में ज़्यादा देर बैठा है सो चांसेस पूरा है देखने का। बट वेरी स्मार्ट अटैकर इन लोगों को डिफीट मारेगा तो इस पॉइंट पर रुकेगा नहीं बिकॉज इन साइड दे कट द माउंटेन इन फ्रंट गिव द सनलाइट। और इसमें प्रवेश करने के बाद फिर से अंधकार में डूबी सुरंग और भूल भुलैया का एनिमी को फिर से सामना है। और इतना ही नहीं बल्कि एनिमी के सर के ऊपर गर्म तेल का ड्रम गिर सकता है। तो ये पर्पसली माउंटेन ब्रेक करते हुए सनलाइट दिया है बिकॉज एनिमीज वही मिस्टेक करेगा, डार्क ड्रॉप करके लाइट की तरफ एंट्री करेगा। बट एज सून एज यू मेक चेंजेस सन फोकस आंखों में जाने में दिखेगा नहीं। अगेन यू वेट फॉर फ्यू सेकेंड गेट ए डिसीजन बिकॉज यहाँ भी कन्फ्यूजन है। ऊपर से हॉट ऑयल पोर कर दिया जाएगा। This is the spot for pour the boiling oil. हाँ भूलिए नहीं, ये सब कुछ जो देख रहे हैं सब एक ही रॉक को कट करके बनाया गया है।
है ना महान कारीगरी। एक बार फिर एनिमी यहां मात खा जाता है, एनिमी फिर अपनी मौत मरेगा। ये स्ट्रेट पैसेज है, राइट टर्न होने के बाद में स्टीयरकेस के बाद में ये इंटरनल पार्ट सेमी सर्कल कट किया है, तो ये सेमी सर्कल कट करने में दुश्मनों का एक तो टाइमिंग खराब होगा, लॉस द साइड, और ये भी नीचे ऊपर पार्ट पूरा कट किया है, नॉट टोटली सेमी सर्कल। इसका पर्पज होता है कि आदमी को चलने में डिफिकल्टी होते रहेगी। बाद में यहाँ से स्टेयरकेस स्टार्ट होती है, स्टेप्स यहाँ भी देखेंगे आप, कुछ फ्लैट्स हाइट बढ़ा रखा है। और ये मिडिल में माउंटेन रखकर दो रूट्स बना दिए गए, सो लेफ्ट हैंड साइड से आप आते हैं, यू गेट एंट्री इन द लेफ्ट, राइट से फ्रंट में जाएगा, बट जस्ट टेक अ शॉर्ट राउंड, अगेन कम इन टू फेस टू फेस, और फेस टू फेस आकर फाइट इधर ही करेगा। जस्ट टेक अराउंड एंड अगेन कम टू सेम स्पॉट। अब राइट ऑन टॉप प्लानिंग के लिए यदि रूट मिलेगा तो दिस इज द राइट वे गोइंग अप, ये ऊपर जाने वाला राइट रूट है। ये 70 स्टेयरकेस लाइट में क्लियर हो जाए, जाकर यहाँ से सल्फर फोम स्टार्ट हो जाएगी, वो प्लेट से सफोकेशन, आदमी इस रूट को ड्रॉप करके अगेन ही कम डाउन, बट इधर नहीं रुकेगा। यहाँ पर मैं देखिए ये सीमेंट विंडो आपको नजर आ रही है, ये इंजन पाइप टाइम पूरा ओपन था, बट ये सस्पेंशन से रूट लीक करता है वाटर मोड के लिए, यहाँ से एनिमी इसको फ्रेश एयर मिलेगा, और वो रूट समझकर स्टेप्स होने के कारण 5 to 6 7 स्टेयरकेस दे मेट बाई 12 देन लास्ट स्टेयरकेस दे मेट स्लीपरी, 25 फीट स्ट्रेट डाउन हो जाएगा, देन 125 फीट पैसेज स्पेशली दे कट ज़िगज़ैग, उसका बॉडी स्ट्रेट वे वाटर मोड में जाकर लीक करेगा, तो इसको ही कहते हैं वैली ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तो इसलिए इसकी रिकॉर्ड्स ये प्रूव कर रही है कि इम्प्रेग्नेबल जो रहा है उसके कारण है केवल स्ट्रेटेजी। यहाँ सुरंग खत्म होती है और यहाँ से दुश्मनों के लिए एक नया इंतजाम शुरू होता है। यहाँ पर में आयरन प्लेट थी जो रोल करने के बाद रास्ता ब्लॉक होता था, इस पर सल्फर फोम जलाई जाएगी ताकि राइट एंट्रेंस में सल्फर फोम प्रवेश करेगी, तो एनिमीज ऊपर आने के चांसेस नहीं है। यहाँ से किले की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ मिलती हैं जो इतनी ज्यादा हैं कि हेल्दी आदमी भी बगैर स्टॉप हुए एक बार में सारी सीढ़ियाँ शायद नहीं चढ़ सकता। सो स्टेप डायरेक्शन देखकर रियलाइज करना है कि आदमी कैसे टायर्ड हो सकता है, सो जस्ट ये ऊपर जाने के लिए रास्ता शुरू हो रहा है, तो माउंटेन का क्लाइंबिंग जो है अभी 600 फीट स्टार्ट हो जाएगी, 465 स्टेप्स है इसके ऊपर में भी। किले की आखिरी ऊंचाई पर खड़े होकर आइए अब यहाँ से नीचे जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका जायजा लेते हैं और कुछ जरूरी जानकारी लेते हैं अपने गाइड से। तो फर्स्ट आउटर वॉल के लिए जो हम आपको इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ से देखिए ऑन द रोड के ऊपर में आउटर वॉल है, टाइप ऑफ नेकलेस फ्रंट में जा रहा है, फर्स्ट एंट्री स्पॉट का पर्पज जो उन लोगों ने नॉर्थ में डाला है,
बट सेकेंड 1.5 किलोमीटर ईस्ट पर आने पर बुकिंग काउंटर के पास जो सेकेंड एंट्री हमने पास की वो सेकेंड गेट हमको मिला है। तो 7 वॉल में फोर्ट के अंदर लीड करने में राइट 7 ही एंट्रीज बनाई गई बट उन दीवारों में अलग अलग डायरेक्शन पर 52 डमी एंट्रेंसेस डाला है फेक। सो इन ईच वॉल 6 to 7 एंट्रीज जिनमें आपको चॉइस करना है विच इज 7 राइट। 14 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉर द आउटर वॉल, 6 फॉर मेन एंट्रेंस और ए महाकोट, 3 किलोमीटर फॉर कालकोट एंड माउंटेन सराउंडिंग जो है उसका एरिया 2.5 किलोमीटर। वैसे तो ये फोर्ट आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देश विदेश से हजारों लोग रोजाना आते हैं। अगर इस फोर्ट की विशेषताओं, इसके फैले हुए रंगारंग इतिहास को सही मानों में लोगों तक पहुंचाया और दर्शाया जाए तो शायद यहाँ ताजमहल और रेड फोर्ट से ज्यादा यात्री देखने को मिले।